और एक ये तरबियत है जो अहले ईमान की मोहम्मद अरबी ने की थी। 313 होके जबर की कुवतों के खिलाफ खड़े हो गए। जब उमैर ने जाके रिपोर्ट दी ना अबू जहल को कि वो तो 3 ऊंट खा सकेंगे और 300 से कुछ कम और कुछ ज्यादा उनकी तादाद है, इससे ज्यादा नहीं है, मैं खूब वादियां देख आया हूं, मैं खूब टीले देख आया हूं। तो अबू जहल ने सुना दी थी कुरैश को बुलाकर कहा उमैर की रिपोर्ट सुनो कितनी हौसला अफजा है, सुबह लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, सुबह तो रस्सियां इकट्ठी करो और जकड़ जकड़ के मुसलमानों को ऊंटों की पुश्तों पे बांध लेंगे और फिर सेने हरम में जाके काबतुल्लाह की दीवारों के साथ बांध देंगे, लोगों को तमाशा दिखाया करेंगे कि ये नया दीन लेकर आए थे और ये इनका क्या हाल है। जब उसने रऊनक भरे इतनी जुबान से इसके जुमले निकाले तो उमैर जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख कर आया था, इब्ने हशाम में लफ्ज मौजूद है, उसने कहा वलाकिन रायतो या माशरा कुरैशिन अल बलाया तहमिलुल मनाया, ए कुरैश के सरदारों इतने भी तकब्बुर में ना आओ, मैं अपनी इन आंखों से देख कर आया हूं कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पे मेरी मौतें उठा के ले आई हैं, उनके बदन पे चीथड़े हैं, उनके पेट कमल से लगे हुए हैं, लेकिन वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताब खा रहे हैं, कल उनमें से कोई नहीं मरेगा जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता। तुम तो ये कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानते हो तो रात के अंधेरे में भाग सकते हो तो भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो मरने के लिए आई है। इतनी बड़ी कुव्वत को देखकर उनके सीने में खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप जानते हैं बदर की तारीख गवाह है कि 2 घोड़े थे, एक रिवायत में सिर्फ एक घोड़ा था, 6 जिरहे थी, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे, और जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए और हवाओं में लहराने शुरू कर दिए। जब ये मलकूती काफिला मदीने से बाहर निकल रहा था दुकानों पे यहूदी ईसाई बैठे थे, उन्होंने कहा मुसलमानों किस बलबूते पे जा रहे हो, किस बलते पे जा रहे हो, कौन सा आसरा है तुम्हारा, आलात हरबो जरब तो तुम्हारे पास मौजूद नहीं, इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो जो कील कांटे से और असले से आलात हरबो जरब से लेस होके आई है, तुम मुकाबला कैसे कर पाओगे, किस बलबूते पे जा रहे हो। हुजूर कमली ओढ़े साथ साथ चल रहे थे, सियाबा ने इशारा करके कहा न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न बाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अब उस माहौल में जबकि कुफार पूरा लाओ लश्कर लेके आए और अबू जहल ने कहा ऐलान कर दो लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ये उनके बुत का नाम है, हमारे पास उज्जा है तुम्हारे पास उज्जा नहीं, हमारे पास लात है तुम्हारे पास लात नहीं, हमारे पास मनात है तुम्हारे पास मनात नहीं, हमारे 360 खुदा और तुम्हारा एक खुदा, मुकाबले दे दे। उसने कहा खड़े हो के ऊंची जगह पे कहा अपने नकीब को ऐलान करो लना उज्जा वला उज्जा लकुम। हुजूर के कानों में आवाज पड़ी, फरमाया अली तुम भी ऊंचे टीले पे खड़े हो जाओ और तुम इनको जवाब में कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा मौला कोई नहीं है। और फिर हुजूर ने सजदे में सर रख दिया, सजदा इतनी बड़ी कुव्वत है, हजारों एटम बमों के अंदर वो कुव्वत नहीं है जो सजदे के अंदर ताकत रख दी। आज दुनिया से हम डर रहे हैं इसलिए कि हमारे सजदे छिन गए हैं, हमारे सजदों की आबरू छिन गई है, हमारे सजदों में वो हरारत और गर्मी नहीं रही, वो रिक्कत और वो नरमी नहीं रही। बदर का मैदान है, 1000 का लश्कर जर्रार मुकाबले में है और वो पूरे लाओ लश्कर के साथ नाजो तफाखुर के अंदर मुसलमानों को मिलिया मेट कर देने के जज्बों से दांत पीस रहे हैं कि आज मुसलमानों को कच्चा चबा देंगे। मुसलमानों के साथ पास सिर्फ 8 तलवारें और उनके बतन में खाने के लिए कुछ नहीं, जिस खजूर को चूस के रोजा रखते हैं उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते हैं। ये हालत मुसलमानों की, बदन पे चिथड़े लगे हुए कपड़े हैं, अजीब हालत है। फिर कौन सा आसरा था जो मुसलमानों के काम आया, मुस्तफा करीम ने मस्जिद आरिश में सजदे में पेशानी झुका दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, सारी रात मुस्तफा रोते रहे, आंखों में आंसू है, हुजूर की चादर सरे अनवर से सिलक के हुजूर के कंधों पे आ जाती, फिर कंधों से पुश्त पे आ जाती, मैं उठा के हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे रखता और कहता हुजूर बस करो। हुजूर बार बार रोते और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर डालकर इल्तजाएं करते,
लफ्ज क्या थे महबूब की जुबान पे, आज तक ऐसी नाज वाली दुआ किसी ने नहीं की है जैसी दुआ मुस्तफा जाने रहमत ने की। मुस्तफा करीम सजदे में सर रखा है और क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्द अबदा। मेरे मालिक मैं नहीं कहता कि इन लोगों को बचा ले, देख मेरी जिंदगी की कमाई यही 313 है जो मैं तेरी चौखट पे लेके हाजिर हो गया हूं। मेरी जिंदगी का कुल असासा, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया कोहे अबू कुबैस पे किए गए दरसों का नतीजा, अक्काज की मंडी के अंदर दिए गए दरसों का नतीजा और जिलमजार के मेले में तेरे दीन की तबलीग का नतीजा, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा खा के जो तबलीग की उसका नतीजा, रस्ते में गड़े, रस्ते में बिछते हुए कांटे और मक्के के बाजारों में मेरे बदन के ऊपर पड़ती हुई ओजरियां, मैंने फिर भी तेरा कलमा बुलंद किया। मेरे मालिक मेरी पूरी जिंदगी का गदास, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी के आंसू, मेरी जिंदगी का रोना सेने हरम के अंदर काबतुल्ला की छाओ के में सजदे कर करके कोई कभी मैंने उमर मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा, तेरे दीन के लिए मैंने जो एक एक करके तिनका जोड़ा और ये छोटा सा घोंसला बनाया, ये घोंसला अब बिजलियों की जद में है, कुफार की बिजलियां इस घोंसले को जला देना चाहती हैं। मेरे मालिक मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये घोंसला और मेरी ये मुट्ठी भर जमात और ये चंद मेरे लोग और ये मेरा सरमाया और असासा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी जवानी का सरमाया जो मैंने तेरे सामने ला के रख दिया है, मैं ये नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन मेरे मालिक अगर ये ना रहे तो कयामत तक फिर तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्द अबदा, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तेरे नाम के डंके बजाने वाले भी दुनिया पे नहीं होंगे। ये हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और सजदे में सर रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क जारी है, सजदे से कुव्वत हासिल की जा रही है, दुश्मन के मुकाबले में मुस्तफा करीम सजदे में सर रख के अल्लाह से आरजू कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अचानक हुजूर ने सर उठाया, मैं खुश हो गया कि हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाया, अबशर या अबा बकर हाजा जिब्रील आखिज़ुम बे अनान फरसे ही। अबू बकर बशारत हो, वो जिब्रील अल्लाह की मदद लेकर आ गए। तो ये सजदे थे जिसने, जिन सजदों ने जालिम और जाबिर कुव्वतों का मुंह तोड़ के रख दिया। हजरत अली मुर्तजा रिवायत करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं मैंने हाथ में तलवार थामी और मैदान में कूद पड़ा, मैंने कई काफिरों को वासले जहन्नम किया, फिर पलट के देखा कि मैं हुजूर की ज्यारत कर लूं, लेकिन मुझे हुजूर नजर ना आए। मैंने ढूंढा तो एक समत हुजूर ने पेशानी सजदे में रखी हुई थी और जुबान पे लफ्ज थे या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, या हय्यो या कय्यूम का वजीफा पढ़ते जा रहे थे और सजदे में पेशानी थी हुजूर की। मैं फिर दोबारा आया उस सजदे से जोश लेकर, उस सजदे से गर्मी और हरारत लेकर और फिर दुश्मन की सफों में कूद गया। मैंने एक काफिर को वासले जहन्नम किया, फिर ज़ियारत के लिए वापस आया, देखा तो फिर सजदे में हुजूर ने सर रखा हुआ है और यही कह रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये जुमले हुजूर की जुबान पे हैं और सजदे में हुजूर की पेशानी। मैं फिर गया फिर आया, कई बार ऐसा हुआ मैं काफिर को कत्ल करता फिर आता हुजूर को सजदे में देखता। फरमाया फिर हुजूर ने तलवार थामी और मुस्तफा करीम मैदान जंग में कूद पड़े। लोग भर चढ़ के दुश्मनों पे हमला करते थे, लेकिन जो सबसे आगे काफिरों की सफा में कूद के हमला कर रहा था वो आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सजदे से वो कुव्वत मिलती है, सजदे से वो नूर और रोशनी मिलती है कि पूरे जमाने में उजाला किया जा सकता है। आज 56-57 इस्लामी मुल्क दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हैं और दुनिया के सामने सजदा रेज हैं, इसलिए कि वो एक खुदा के सामने सजदा करना भूल गए। एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदे से आदमी को देता है नजात। आओ उसके हुजूर झुको, उसके हुजूर झुकने वाला किसी के आगे नहीं झुकता। सजदा उसको कुव्वत देता है। तू राज़े कुन फकां है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है। निकल कर हल्का ए शामो सहर से जावेदा हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंदरू कोहो बयाबा से, गुलिस्तान राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा। मालिक के हुजूर जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है, अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाजिल होती है। एक रिवायत में आता है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है
अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो कयाम ही करता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह, मेरे बंदे के गुनाह जो हैं इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके सारे गुनाह उसके बदन से उतार के एक समत रख दिया जाता है, और बंदा मुसल्ले पे सुबहान रब्बी अलआला के नगमे अलापता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जब सलाम फेर के नमाज खत्म करके दुआ करके जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक ये जो गुनाह उतार के एक साइड पे रखे थे ये दोबारा इसको दे दें। अल्लाह फरमाता है जिसकी झोली से गुनाह निकाल लिए थे दोबारा उसकी झोली में नहीं डाला। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर के ऊपर गुनाह आ जाते हैं, जब रकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं, और जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े थे, आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्पश दी, हरकत दी, मौसम खजां था, दरख्त की शाख के सारे जर्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे, उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को यूं हिलाया क्यों है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। कहा सुनो फिर, एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रस्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है नमाज पढ़ता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुसल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा। अर्ज की नहीं। फरमाया इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मेराज है। इमादुद्दीन अस्सलात, नमाज दीन का सुतून है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अतीब बन निसा व जोइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। और हुजूर ने यह भी इशारत फरमाया मन तारक सलात मुतअम्मिदन फकद काफर, जिसने जान बूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफर ही तो किया, यानी काफरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा हाफिजुल सलावात व सलातुल वुस्ता इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी मुझे हुजूर के दर का पता बताओ, हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की हुजूर मेरा खामत सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदब मौजूदगी के अंदर जना कर लिया, हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही हूं। अब जबकि मेरा जमीर जागा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कुफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो तूने जना किया है उसकी सजा रजम है क्योंकि तू शादीशुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है कत्ल की सजा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फकद इर्तकबत कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है उसकी सजा तो कयामत के दिन पाएगी। उसके बाद हुजूर फरमाया इन तीनों गुनाहों की यह सजा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी मैं तो यह समझा था शायद तेरी नमाज असर कजा हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत क्या है और हम इस बात में कितनी सुस्ती करते हैं। किसी से पूछा जाए ना आओ नमाज पढ़ने चले, वो कहते हैं बस यार मेरे कपड़े पलीद हैं, कपड़े मेरे पाक नहीं है। तेरे कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं, तू अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, तेरे कपड़े भी पलीद हैं, तेरा दिल भी पलीद है, तू उसके हुजूर झुक के तो देख, तन भी सुथरा कर देगा, तेरी रूह को भी पाकी दे देगा, तेरे कलब को भी तहारत बख्श देगा। तो उसके हुजूर आ झुक
उसके हुजूर सजदों से अल्लाह के हुजूर खिराज पेश कर अपनी मोहब्बतों का। जब बंदा सजदे में सर रखता है अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है, मेरे बंदे को देखो ना बिलाखिर मेरे हुजूर ही झुका है ना, कितने गुनाह किए इसने कितने जुर्म किए इसने लेकिन बिलाखिर मेरे हुजूर आया और अपने गुनाहों की माफी मांगता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने अपने इस बंदे की मगफरत फरमा दी। तो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने वाला, बल्कि एक रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर फरमाया जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू पे लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिस नमाज के कष्ट के लिए उठें और वुजू करें और पानी छूते ही गुनाह माफ हो जाएं, अगर उस नमाज का आला दर्जा सजदा कर लिया जाए तो फिर मालिक की कितनी रहमतें नाजल होगी। ये कितनी बड़ी दौलत है, ये कितना बड़ा सरमाया है जिससे हम लोग महरूम रह जाते हैं। आओ अल्लाह की रहमतें सजदे में ढूंढे, सजदे में पेशानी रख के जब हम उसकी रहमत को मांगे तो वो मालिक हमारे ऊपर रहमतें नाजिल करेगा। आज पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों के साथ जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं। कोई कहता है कि मुआशी तौर पे मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह को भी मैं तस्लीम करता हूँ। मुसलमान के पास आलात हर्ब व ज़र्ब भी मौजूद नहीं है, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। सियासी तौर पे मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। ये सारी वजहें अपनी जगह पे, लेकिन ये भी तो सुनो मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ है। अफरादी कुव्वत इतनी कभी भी मुसलमानों की नहीं हुई थी। इस वक्त मुसलमानों के पास एटमी ताकत मौजूद है, इतनी कुव्वत अस्करी कभी भी मुसलमानों के पास नहीं हुई थी। 56 इस्लामी मुल्क हैं जिनमें कीमती मादनियात से और तेल की दौलत से और सोने की कीमती मादनियात से ये मुसलमान माला माल हैं। क्या कुछ नहीं है जो मुसलमानों के पास ना हो, लेकिन एक दौलत छिन गई मुसलमानों के पास, वो सजदे की आबरू, वो सजदे की इज्जत, वो पेशानी रख के उस रब को पुकारना जो सबसे आला है, जो सबसे बाला है, जिसने मूसा के फिरौन को नील की मौजों में डबो दिया। क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा 1 अरब 40 करोड़ इंसान सजदे में सर रख के सुभान रब्बी अल आला के नगमे अलाप के अपने रब से गुजारिश करें और अपनी उम्मत का रोना रोएं? कश्मीर में लुटती हुई जवानियां और कलकुदस के अंदर बहता हुआ खून, शबरगान से लेकर काबलो किंधार तक और मूसल से लेकर तकरीब तक मुसलमान के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं, अपने रब के हुजूर उसका दुखड़ा सुनाएं और अपने मालिक को कहें मेरे मालिक हम लुट गए, हम कट गए, हम पिट गए, असले भी मौजूद, अफरादी कुव्वत भी मौजूद, सियासी ताकतें भी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दबता चला जा रहा है। उसी कश्ती को है खौफ तलातम सदहैफ, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के, जो 300 होकर जुर्रत और वो ताकत और वो अजीमत की दास्तानें रकम करते हैं कि मालिक तू भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारता है। आज वो उम्मत भीच मिंजदार के उस उम्मत की कश्ती हचकोले खा रही है। हमारी फरियाद, हमारा इस्तगासा तेरे से है, मेरे मालिक हमारा खोया हुआ वकार बहाल कर दे और इस उम्मत को उस मर्तबा कमाल तक पहुंचा दे जिस मर्तबा कमाल तक ये उम्मत पहले पहुंची थी, और इनका खोया हुआ वकार बहाल कर दिया जाए। आज भी हम अगर सजदों से अपने रब को मना लें और वो रूठा हुआ रब आज भी हमारी मदद के लिए आ जाए तो फिर कोई कुव्वत कोई ताकत हमें नहीं लताड़ सकती। आइए हम सजदे से अपने मालिक, अपने खालिक और अपने राजिक के हुजूर अपनी मोहब्बतों और अपनी उल्फतों का खिराज पेश करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म कुरान में 750 मरतबा के करीब दिया गया। और एक आखिरी बात अर्ज करके अपने मौजू को समेटना चाहूंगा, मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वक्त आखिर आया तो आखिरी वसीयतें जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में की वो क्या थी? दो वसीयतें थी हुजूर की आखिरी, जब हुजूर अय्याम मर्ज में थे और आखिरी वसीयतें, उसके बाद हुजूर ने कोई कलाम नहीं किया, वो यही था अस्सलात 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 अस्सलात। लोगों में तुम्हें नमाज की ताकीद करता हूँ, मैं नमाज की ताकीद करता हूँ। और दूसरा फरमाया जो तुम्हारी मिल्क में तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लोंडियां हैं उनके साथ उसने सुलूक की ताकीद करता हूं। ये आखिरी दो बातें थी जो हुजूर ने इरशाद की, हुकूकुल्ला के हवाले से नमाज और हुकूकुल इबाद के हवाले से हुजूर ने कमजोरों के हक उन तक पहुंचाने की ताकीद उम्मत को दी, और उसके बाद फिर हुजूर इंतकाल कर गए। आइए हम सजदों से अपने रब को राजी रखें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल अता फरमाए।